Karakata is significant as such. It is same in Brihadarandhaka and the Vedic Jyotish, but still be Surya, father ka, son ka, name, fame, authority, right eye ka karak hai. Chandrama, mother, mata, traveling, waterly places, milk, left eye, in sab ka karak chandrama mana jata hai. ठीक है. Mangal, husband ka karak hota hai Brihadarandhaka mein. दूसरा छोटा भाई ब्लड दांत मशीनरी बुध तीसरा छोटा भाई एजुकेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लव अफेयर बिजनेस इसका कारक बुध होता है ब्रिगंदी के अंदर गुरु गुरु जो है ज्ञान का कारक है प्रेस्टेज का जज मिनिस्टरशिप टेंपल धर्म ठीक है फैट मोटापा सेल्फ गुरु जो है सेल्फ का कारक है हम ब्रिगंती के अंदर गुरु से करना शुरू करते हैं गुरु का सबसे पहले हम देखते हैं तो आज भी कुछ चीजें हम गुरु से ही करेंगे शुक्र यहाँ पे भी वाइफ का कारक पैसा घर वाहन प्लेजर मैरिज इनका कारक शुक्र ही है शनि प्रोफेशन का कारक ब्रिगंती में आना था प्रोफेशन बड़े भाई ठीक बड़े भाई का कारक गैम्बलिंग जैसे एक्टिविटी लेजीनेस सुस्तानापन माइनिंग एक्टिविटी एक सर्विंग एटीट्यूड जो है वो शनि से देखा जाता है राहु जो है ग्रैंडफादर का कारक है फॉरेन ट्रेवल का घर की दीवारों में क्रैक वो सब आपको पता ही है और जादू टोना ब्लैक मैजिक इन सब और ये भूत पिशाच या योग जो है या फिर लोगों को कुछ कुछ सपनों में कुछ कुछ चीजें आती हैं वो सब चीजों का कारक यहाँ पे राहु माना जाता है केतु जो है यहाँ पे मैटरनल ग्रैंड फादर का बालों का एस्ट्रोलॉजी ऑब्स्टिकल्स डिस्प्यूट और किसी भी चीज के अंदर ब्लॉकिंग का कारक जो है यहाँ पे केतु माना जाता है ठीक है ये ब्रिगंती के कुछ स्टेप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए ब्रिगंती के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है ब्रिगंती एक का एक कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट के अनुसार ब्रिगंती के कुछ पोजिशन से इसकी प्लेसमेंट को देखा जाता है जैसे सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अगर हमें जीव कारक का विचार करना है तो हम गुरु से विचार करेंगे ब्रिगंती के अंदर प्लैनेट को हम पकड़ते हैं उसके एलिमेंट से उसके कारक से उससे हम उसका विचार करते हैं जैसे गुरु के केस में एक पत्री भी हम लगा के देखेंगे पहले कंसेप्ट को एक बार आप समझ लें और कुछ चीजें मेरे पास आया वो मैं आपको स्लाइड्स मतलब शीट्स के रूप में शेयर कर दूंगा पिक्चर्स के रूप में शेयर कर दूंगा वहां से आप नोटिंग कर लीजिएगा राइट अगर हम बात करते हैं गुरु की गुरु यहाँ पे जीव कारक ग्रह है तो अगर व्यक्ति के अपने विषय में हम बात करेंगे तो हम गुरु से गणना करेंगे जुपिटर से गणना करेंगे अगर किसी के प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे तो शनि से गणना करेंगे अगर किसी की एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो हम बुध से गणना करेंगे जीवन में समस्याओं की बात करेंगे तो हम राहु केतु से गणना करेंगे माता पिता के बारे में बात करेंगे तो सूर्य चंद्रमा से गणना करेंगे अगर लग्जरी जीवन साथी या मेटलिस्टिक चीजों की बात करेंगे तो हम शुक्र से यहाँ पे गणना करेंगे ब्रिगंती के अंदर जो गणना करी जाती है वो कंजक्शन माने जाते हैं जब कोई प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट से 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 में बैठा होता है आई रिपीट दिस लाइन ये लाइन लिख लें महत्वपूर्ण लाइन है ये ब्रिगंती का बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जब कोई प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 में बैठा होता है तो उसको इसका इफेक्ट माना जाता है ये इसका इफेक्ट इसका कंजक्शन की तरह से इसके इफेक्ट को देखा जाता है ब्रिगंती के अंदर एस्पेक्ट नहीं ऐसा होता उसमें कंजक्शन ही माना जाता है उस कंजक्शन के परसेंटेज अलग अलग देखी जाती है तो कोई प्लैनेट किसी से खुद साथ बैठा हो दूसरे भाव में तीसरे भाव में पांचवें सातवें नौवें ग्यारहवें भाव में बैठा होगा तो इसको कंजक्शन माना जाता है अब यहां से गणना करेंगे कैसे मैंने क्या बोला मैंने आपको बोला कि अपने से जैसे गुरु यहाँ पे गुरु जीव कारक है ठीक है जीव कारक से 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 इसमें जो बैठे होंगे ग्रह जो यार वो गुरु से कंजक्ट में माने जाएंगे ब्रिगंती के अंदर 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 के अंदर जो प्लैनेट बैठते हैं उस प्लैनेट से
वो कंजक्ट माने जाते हैं, उनका प्रभाव अलग अलग होता है, वो अलग बात है। और उसको कैसे रीड करना है, रीड करने का सिंपल, बड़ा सिंपल तरीका है। अगर तो दोस्ताना है तो वो फेवरेबल है, अगर वो दोस्ताना नहीं है तो उसके अंदर दिक्कत पैदा कर रहा है, ठीक है। ये बड़ा सिंपल रूल है। जैसे इस केस के अंदर आप देखोगे तो इसके साथ 12वें भाव में कोई नहीं है, 11वें भाव में शनि है, शनि गुरु के साथ 11वें भाव में बैठा हुआ है। इसके शनि और गुरु की मैत्री संबंध अगर सम माने जाते हैं, शनि और गुरु की मैत्री संबंध सम माने जाते हैं, तो गुरु के केस में जब हम गुरु की बात करेंगे इनके चार्ट के अंदर, शनि जो है स्पोर्ट सिस्टम में यहाँ पे बैठा हुआ है। इस व्यक्ति को, शनि जी को गुरु के पीरियड में शनि जो है स्पोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा, वो इनको अपने काम के अंदर, इनको अपने अपने मानसिक तरीके में या इनको अपने में सेल्फ एक्टिविटी में, सेल्फ ग्रोथ में, नॉलेज के अंदर, ज्ञान में, डेप्थ स्टडीज के अंदर विजडम का कारक गुरु है। जो गुरु के कारक तत्व है उसको शनि सपोर्ट करेगा, और शनि सपोर्ट करेगा शनि के तरीके से। शनि कैसा, शनि का तरीका क्या है, शनि का तरीका है निरंतर डिसिप्लिन, तो उस तरीके से सपोर्ट करेगा। ये स्पोर्टिव प्लान यहाँ पे बनता है, ठीक है। इसके विषय में थोड़ी और बात करेंगे, थोड़ा ये मैंने आपको बताया, नंबर बताया, ये आप नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भृगु नंदी का। इसके अलावा भृगु नंदी के अंदर जो प्लैनेट कंजक्ट में होते हैं वो 100%, यानी कि जो प्लैनेट एक नंबर में होते हैं वो 100% इफेक्ट डालते हैं कारक प्लैनेट के ऊपर। जो प्लैनेट 2, 5, 9 में बैठते हैं वो कंजक्ट में, इसमें कंजक्ट माना जाता है, इसमें आस्पेक्ट को नहीं देखा जाता। इसमें ये जो हम नॉर्मली आस्पेक्ट बोलते हैं, यहाँ पे कंजक्ट ही बोलते हैं। जो प्लैनेट 2, 5, 9 में बैठते हैं वो 75% इफेक्ट डालते हैं कारक प्लैनेट पे। जो प्लैनेट 3, 7, 11 में बैठते हैं वो 50% इफेक्ट डालते हैं कारक प्लैनेट पे, और जो प्लैनेट 12 में बैठता है वो 25% इफेक्ट डालता है कारक प्लैनेट पे। तो अगर कंजक्ट में बैठा है, एक नंबर में बैठा हुआ, 7 में बैठा, तो 100% इफेक्ट डालेगा। अगर वो 2, 5, 9 में है तो 75% इफेक्ट डालेगा कारक पे। 3, 7, 11 वाला 50% इफेक्ट डालेगा कारक पे, और 12 में बैठा प्लैनेट 25% इफेक्ट डालेगा कारक प्लैनेट पे। इस भृगुनंदी नाड़ी की जनरली जो माना जाता है जो डेवलपमेंट की थी, या जो इन्होंने जिसने इनिशिएट किया था टेक्निक को, जिन्होंने बढ़ावा दिया था, तो नाड़ी ज्योतिष, भृगुनंदी इज ए पार्ट ऑफ नाड़ी ज्योतिष। नाड़ी बहुत सारी होती है, चंद्र नाड़ी, शुक्र नाड़ी, बुध नाड़ी और अगस्त नाड़ी, बहुत सारी नाड़ी होती है। विल ट्राई टू डू सम कोर्स ऑन दी नाड़ी, तो एक कंबाइंड कोर्स करने की कोशिश करेंगे, बट नाड़ी बहुत सारी होती है। उनमें से एक भृगुनंदी नाड़ी है, जो कि आरजी राव साहब ने इसके ऊपर रिसर्च किया था, काम किया था, और उन्होंने थोड़ा सा इस पर काफी कुछ इन्होंने ध्यान दिया। और भृगुनंदी नाड़ी का एक अच्छा बेनिफिट ये है कि भृगुनंदी नाड़ी के अंदर कोई भी दशा, डिविजनल चार्ट को और इन सब चीजों को ज्यादा ध्यान मद्देनजर नहीं रखा जाता, और ना ही भृगुनंदी नाड़ी के अंदर डेट ऑफ बर्थ का बहुत ज्यादा वेरिएशन अगर आ जाए, मतलब 10-15-20 मिनट का वेरिएशन आ जाए, एज फार एज उसके भाव चेंज नहीं हो रहे, भाव चेंज नहीं हो रहे, तो ज्यादा उसमें भी फर्क नहीं आता इसके अंदर, भृगुनंदी के अंदर, ठीक है। अभी भृगुनंदी नाड़ी के अंदर 3-4 चीजें और इंपॉर्टेंट है। भृगुनंदी नाड़ी के अंदर जैसे हम डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट भी कहते हैं, देवग्रह या राक्षस ग्रह। देवग्रह में पता है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु होते हैं। राक्षस ग्रह में पता है शुक्र, शनि, बुध, राहु, केतु राक्षस ग्रह की श्रेणी में आता है, ये हमें पता है। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं भृगुनंदी के अंदर। भृगुनंदी डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी के होने के बावजूद भी सूर्य प्लस बुध को, ये आप लिख लीजिए एक्सेप्शंस, ये काम आएंगी भृगुनंदी के अंदर, क्योंकि जब हम गणना करेंगे 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 से जब गणना करेंगे तो ये काम उस टाइम पे आएंगी। सूर्य प्लस बुध की अगर गणना पे कनेक्टिविटी आ जाती है भृगुनंदी के अंदर, इट इज कंसिडर टू बी फ्रेंड्स इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दे आर बोथ डिफरेंट डिपार्टमेंट। इसी तरह मंगल और शुक्र ये न्यूट्रल माने जाते हैं, गुरु और शुक्र न्यूट्रल माने जाते हैं, गुरु और शनि न्यूट्रल माने जाते हैं, ठीक है। शनि और राहु न्यूट्रल माने जाते हैं भृगुनंदी के अंदर, और गुरु और बुध यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गुरु और बुध वैदिक के अंदर गुरु बुध को इकट्ठा नहीं माना था, बट भृगुनंदी में गुरु एंड बुध को दोस्त माना जाता है। तो जो थोड़ा परिवर्तन है यहाँ पे कि गुरु और शुक्र न्यूट्रल माने गए, गुरु और बुध दोस्त माने गए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कंसिडर करने के लिए। इसी तरीके से शुक्र और केतु दुश्मन माने जाते हैं, दे आर एनिमी टू ईच अदर। शुक्र और केतु, शनि और केतु, दे आर आल्सो कंसिडर टू बी एनिमी टू ईच अदर।
बुध और केतु यू आल्सो कंसीडर टू बी एनिमी टू ईच अदर. तो इवन दो केतु राक्षस ग्रह के श्रेणी में आता है, लेकिन केतु राक्षस ग्रह आने के बावजूद भी अपने ही डिपार्टमेंट में शुक्र शनि और बुध तीनों के साथ कनेक्टिविटी के अंदर एनिमी माना जाता है. क्योंकि ये माना जाता है केतु किसी भी चीज की ग्रोथ को वहां पे रोक देता है, वहां पे उसको मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करता है. इसलिए भिगवंदी के अंदर केतु की कनेक्टिविटी किसी भी प्लैनेट के साथ जब आती है तो उस प्लैनेट के साथ कनेक्टिविटी को हम अच्छे से नहीं देखते, उसको हम तकलीफ से देखते हैं. ठीक है, ये भिगवंदी का एक इंपॉर्टेंट रूल है. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, भिगवंदी के अंदर स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, किसी प्लैनेट की स्ट्रेंथ को निकालने का तरीका क्या है, कि ये स्ट्रेंथ मजबूत है या वीक है. इसके मैं कुछ रूल्स लिखवा रहा हूँ, वो आप रूल्स चाहे तो लिख लें, नहीं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से शेयर भी कर दूंगा. ये मतलब एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा जिससे आपको ये रूल मिल जाएंगे, अगर समझ सके तो समझ ले पहले आप. दो साइड है, एक है स्ट्रांग और एक है वीक, एक है स्ट्रांग और एक है वीक. अगर प्लैनेट एग्जॉल्टेड है तो स्ट्रांग एक नंबर देंगे हम, अगर प्लैनेट डेबिलिटेड है तो उसको जीरो नंबर देंगे हम. इसमें गणना करेंगे नंबरों के माध्यम से कि एक नंबर मिला या जीरो नंबर मिला. जिसको जितने ज्यादा नंबर मिलेंगे वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा. ठीक है, अब एग्जॉल्टेड है तो एक नंबर मिला, डेबिलिटेड है तो जीरो नंबर मिला. अगर प्लैनेट दोस्त साइन में है तो एक नंबर मिला, अगर एनिमी साइन में तो जीरो नंबर मिला. अगर प्लैनेट दोस्त प्लैनेट के साथ एसोसिएट है तो नंबर एक मिला, अगर प्लैनेट एनिमी प्लैनेट के साथ एसोसिएट है तो नंबर जीरो मिला. अगर प्लैनेट दो दोस्त प्लैनेट के बीच में है तो नंबर मिलेगा, अगर प्लैनेट एनिमी प्लैनेट के बीच में है, आजू बाजू के भावों में एनिमी प्लैनेट है, तो जीरो मिलेगा. अगर प्लैनेट अच्छे दोस्तों के साथ कंजक्ट में आ रहा है, यानी कि एक दो तीन पांच सात नौ ग्यारह बारह में आ रहा है, तो नंबर एक मिलेगा. अगर प्लैनेट एनिमी प्लैनेट के साथ कंजक्ट में आ रहा है या एस्पेक्ट बोल रहे आसान तरीके से आप, एस्पेक्ट में आ रहा है तो नंबर जीरो मिलेगा. अगर प्लैनेट विनिंग है, विनिंग होता है यहाँ पे डिग्री से, जिसकी डिग्री ज्यादा होती है वो जीतता है, जिसकी डिग्री कम होती है वो हारता है. अगर प्लैनेट यहाँ पे विनिंग डिग्री में है तो उसका नंबर मिलेगा एक, अगर प्लैनेट यहाँ पे हार गया तो उसका नंबर मिलेगा जीरो. अगर प्लैनेट अपने साइन का है तो उसका नंबर मिलेगा एक, अगर प्लैनेट यहाँ पे कंबस्ट है, सूर्य के साथ कंबस्ट होता है, कंबस्ट हुआ तो नंबर मिलेगा जीरो. तो ये सात पैरामीटर है जिसके मुताबिक हम नंबर की गणना करते हैं. भिगवंदी में ये देखते हैं कि प्लैनेट को नंबर स्ट्रांग मिल रहा है या वीक मिल रहा है, ये दो तरीके हैं. ये बात क्लियर हुआ सबको? तो इसकी हम एक सर इसके अंदर एग्जॉल्टेशन डेब्लिटेशन ये सारे तो वही रूल्स होंगे ना वैदिक वाले? हाँ, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूल दो इसमें ऐड हुए, तीन ऐड हुए बल्कि इसके अंदर. एक तो हुआ एक दो तीन पांच सात नौ ग्यारह बारह से एस्पेक्ट, ठीक है, वो फ्रेंडली है या एनिमी है, वो इम्पोर्टेंट रूल ऐड हुआ. इसमें दूसरा रूल ऐड हुआ विनिंग, यानी कि प्लैनेट की डिग्री ज्यादा है या कम है, दूसरा रूल ये इसमें ऐड हुआ. तो इसमें ये दो रूल ऐड हुए. और तीसरा इसके अंदर एक रूल ऐड होता है कि प्लैनेट दोस्त प्लैनेट के बीच में है या एनिमी प्लैनेट के बीच में है, ये तीसरा रूल इसमें ऐड होता है. तो ये तीन की वजह से नंबर विनिंग उसमें द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट डिफर्स. ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द करेक्ट प्लैनेट डिफर्स. सर इसमें डिग्री कितनी देखेंगे, कितनी ऊपर तक की? अगर डिग्री ज्यादा है तो वो विनिंग है, अगर डिग्री कम है तो वो हार गया उससे, सिंपल है. ठीक है, चाहे वो एक ही डिग्री क्यों ना हो. ठीक है, भिगवंदी के अंदर हर प्लैनेट के अपने कारक हैं, उसी कारक के अनुसार उस व्यक्ति के हम चेक करेंगे कि कैसे उसकी प्रोफेशन चल रही है या एजुकेशन. फॉर एग्जांपल बुध है, बुध एजुकेशन का कारक है, बुध एजुकेशन का कारक है. बुध के लिए सबसे खराब प्लैनेट दो प्लैनेट है, मंगल और केतु. मंगल और केतु, अगर व्यक्ति के बुध के साथ कोई कनेक्टिविटी बनती है मंगल और केतु की एक दो तीन पांच सात नौ ग्यारह बारह में, तो उसकी एजुकेशन में दिक्कत आएगी. अगर नेटर चार्ट के अंदर बुध केतु की कनेक्टिविटी बन गई एक पांच एक 100% पांच नौ दो दो पांच नौ 75%, अगर ये कनेक्टिविटी बन गई तो आप मान के चलो उस व्यक्ति की एजुकेशन लाइफ के अंदर अच्छी नहीं आएगी.